नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर जो कंटेंट अपलोड किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी का कंटेंट हो, वो कंटेंट को उतना कवरेज नहीं मिल पा रहा है, उतने जगह ये पहुँच नहीं पा रहा लोगों के पास जितने लोगों के पास ये पहुँचना चाहिए और जितने लोगों को इसको देखना चाहिए, उस हिसाब से इसका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मुझे ज्ञान अभी तक मैंने अपनी अपने पर्सनल अनुभव से, अपनी पढ़ाई लिखाई से या दूसरों के गुरुओं के बीच में बैठ कर पाया है, वो मैं ज्ञान आपके साथ शेयर करूँ। उसमें कुछ बुक्स का भी ज्ञान शामिल होता है, कुछ मेरा पर्सनल अनुभव भी है जो मैंने अपनी खुद की पढ़ाई की है, या फिर जो मैंने दूसरों से अपने 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 गुरुओं से, अपने साथियों से, टीचर से सीखा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आऊँ। लेकिन जिस हिसाब से चैनल ये ग्रो कर रहा है, कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। वो बात ठीक है कि किसी भी चीज़ को जमाने में बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप देखिए, जाने अनजाने में अगर ये वीडियो आप एक बार उसको देखते हैं, कंटेंट आपको अगर पसंद आता है, लगता है कि कंटेंट अच्छा है और इस चीज़ को आगे प्रमोट हमें करना चाहिए, तो आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी रहती है, रिक्वेस्ट, आग्रह सिर्फ इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सुझाव और कमेंट, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि सुझाव आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी हो, वो हमें सुधार करने में ही हेल्प करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिनों में चैनल के सब्सक्राइबर अपने आप ही कम हो गए हैं, कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यूज भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कई बार पता नहीं चल पाता कि लोग आखिर देखना क्या पसंद करते हैं। फिर भी मेरी जो कोशिश है, मैं उस कोशिश में लगा रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है और जो भी मेरे से बन पा रहा है, वो मैं आपके लिए सबको एक पॉइंट पर, एक जगह पर इकट्ठा करके कोशिश करता हूँ कि आपके मैं सामने लेकर आऊँ, आपका ज्ञान बढ़े। वो ज्ञान आप चाहे अपने एकेडमिक जीवन में उसको यूज़ करें या एकेडमिक जीवन के बाद अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में उसको तब आप यूज़ करना चाहते हैं, ये आपकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। पर्पस इस चैनल का सिर्फ ये है कि जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान मैं एक जगह एक पॉइंट पर इकट्ठा करूँ, सीधे और सरल भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में। मेरा फोकस इंग्लिश और हिंदी दोनों पर ही रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष में जितना लोग इंग्लिश बोलने और जानने और सीखने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदी बोलने, समझने और सीखने वाले लोग हैं। तो जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, मेरा मकसद यही रहता है कि दोनों को समझ में आए, बराबर दोनों को समझ में आए और दोनों को इसको फ़ायदा मिले। आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ जहाँ भी आपके अगर कोई दोस्त हैं, आपके परिचित लोग हैं, उनको ये थोड़ा सा प्रमोट कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिले। और देखिए, सीधी सी बात है, जब काम अच्छा लगता है लोगों को तो उससे मन में खुशी होती है, थोड़ा सा काम करने का इंकरेजमेंट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पिछला में जो मेरा वीडियो था, वो तो मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स, बहुत जो सामान्य प्रचलित कहावतें हैं, वो हिंदी में तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखिए, गूगल में आप सर्च करेंगे, आपको 200-250-300 प्रोवर्ब्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेन मकसद होता है कि आप उसको समझते किस प्रकार हैं और उनको एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। आज का जो पहला है, फर्स्ट जो है, वो है माइंड इज राइट। माइट का मतलब था शक्ति, ताकत, यानी शक्तिशाली को भी माइटी बोलते हैं। लेकिन इस कहावत में क्या बोला गया, माइट इज राइट, यानी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो व्यक्ति पावरफुल है, जो व्यक्ति समर्थवान है, वही हमेशा सत्य होता है, उसको ही हमेशा सच माना जाता है। आपने कहावत सुनेंगे हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मैं बोलूँ कि भाई इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, आपको अगर कहीं लिखना है कुछ, आप लिख रहे हैं इंग्लिश में, इसको कैसे लिखेंगे, उसको वर्ड फॉर वर्ड टू ट्रांसलेट आप नहीं कर पाएंगे। और कर भी लेंगे तो फिर वो शायद इम्पैक्ट लैंग्वेज पर नहीं आएगा। अगर आप प्रोवर्ब्स को यूज़ करते हैं, देखिए लैंग्वेज की खूबसूरती यही है, जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रोवर्ब्स और इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच अलंकारों का यूज़ करेंगे, भाषा चाहे कोई भी हो, वो भाषा की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ाता है। माइट इज राइट का जो इंग्लिश में कहावत है, वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूँ ताकि दोनों लोगों को समझ में आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, उसकी पहली लाइन ये है कि समर्थ कोई नहीं को नहीं दोष गुसाई, यानी कुछ समर्थवान है उसका कभी भी दोष नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। दूसरा है मेक द हे व्हेन द सन शाइन्स, मेक द हे व्हेन द सन शाइन्स, यानी कि जब धूप निकली हो। देखिए आपको कोई चीज सुखानी है, ठीक है, कोई भी चीज सुखानी है, खासकर जैसे घास है गांव वगैरह में, गांव देहात में होता है, जब गेहूं को थ्रेशर में डाल के निकाला जाता है, जो भूसा इकट्ठा होता है उसको आप सुखाने का सबसे समय, सही समय क्या है? सही समय वो है जब धूप बहुत अच्छी खिली हो, यानी कोई भी चीज़ आपको सुखानी है तो उसका सबसे समय, सही समय वो दिन होता है जिस दिन धूप बहुत अच्छी खिली हो, बरसात ना हो रही हो और बस आसमान में बादल ना हो। तो मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, यानी कि मौके का पूरा फायदा उठाना है। जब आपको सही मौका मिला, सही मौके पर सही काम, या इसको कह सकते हैं मौके का फायदा उठाना, हिंदी में कहते हैं ना मौके पर चौका मारना, बहुत सारे लोग ये चीज यूज करते हैं। तो मेक द हे व्हेन द सन शाइन्स, जब आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले उस टाइम पर आप बिल्कुल सही काम करें। चलिए मुझे लगता नहीं इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। देखिए मेंड का मतलब होता है सुधारना, क्या होता है? सुधार करना, सुधार करना। कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज, बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, कॉबलर मोची के पास जाते हैं, मेरे जूतों को सही कर दो, ठीक कर दो। तो मेंड का मतलब होता है ठीक, नेवर का मतलब कभी नहीं, टू का मतलब टू लेट, बहुत ज्यादा देर। हिंदी में इसका मतलब है कि सुधार करने में कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है, यानी कि जब भी आप अपने आप में सुधार करना चाहें, या जब भी आप किसी भी चीज में सुधार करना चाहें, तो जब भी करना चाहें वो बिल्कुल राइट टाइम होता है। देखिए लाइफ में राइट टाइम तो कभी आता ही नहीं है, इफ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी इट विल नेवर कम टू यू। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप सही समय सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहेंगे तो वो कभी आएगी नहीं। हिंदी में इसके लिए कहा होता है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, यानी कि जब आपने अपनी गलती सुधार ली तभी ठीक है। हिंदी में इसका इससे कौन सी कहावत रिलेट होती है, कौन सा कहावत रिलेट होती है कि जब जागो तभी सवेरा है, जब आप जग गए मान के चलो वही सवेरे का टाइम है, ठीक है। तो उसकी कहावत क्या है, जब जागो तभी सवेरा, रिलेट हो रहा है? इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, आप इसको यूज कर सकते हैं, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, कि जब जागो तभी सवेरा है। सुधार आप कभी भी अपने जीवन में कुछ भी अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकती हैं, कोई टाइम लिमिट या कोई बाउंडेशन उस पर नहीं होती है। ये आपने खूब पढ़ा होगा, बच्चों को भी पता होगा, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट जो वर्ड आया स्पिल से आया है, स्पिल समझते हैं SPILL, स्पिल का मतलब फैलना। जैसे आप कोई चीज़ आपने खोली उसके अंदर कुछ जैसे कांच की गोलियां हैं, जैसे आपने वो चीज़ खोली और सारी गोलियां क्या हो गई, फैल गई, स्पिल। तो उसका उसी से वर्ड आया है स्पिल। इट इज़ यूजलेस का मतलब बेकार, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि ग्लास अगर आपके हाथ में दूध का ग्लास है और वो फैल गया और आप उस पर शोर मचाना शुरू कर दें, उस पर चिंता जाहिर करनी शुरू कर दें, अफसोस करना शुरू कर दें, तो कहने का मतलब उस अफसोस का फ़ायदा क्या है? उस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको अंडू तो किया नहीं जा सकता है, यानी कि उसको वापस तो पहले वाले स्टेज में लाया नहीं जा सकता, तो बेकार है। दूध फैल गया तो उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शोर मचाना या कुछ भी करना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ की बात है। कहावत एक आपने सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चिंग गई थी, कहावत आपने सुनी होगी, बहुत ही कॉमन कहावत है, हम लोग बहुत हिंदी में यूज़ करते भी हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चिंग गई खेत। लेकिन खासकर अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो ये नहीं चलेगी हिंदी की कहावत, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, अब उसका कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया खेत चुनके उड़ के चली गई तो आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, लाठी पीटते रहिए, उसका कोई फायदा है नहीं, यूजलेस है, बेकार की चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर पांच में, एज यू सो, एस ओ डब्ल्यू, सो का मतलब बीज जैसे बोया जाता है, जब कोई फसल
का जो फर्स्ट स्टेप है उगाने का, फर्स्ट नहीं सेकंड मान लीजिए, जब खेत को तैयार कर लिया जाता है तो उसमें बीज डाला जाता है और वो बीज बड़ा होकर पेड़ बनता है और पेड़ या तो फल देता है या कोई आपको सब्जी देता है खाने के लिए या कुछ और भी चीज़ें देता है। एज यू सो, सो का मतलब बोना जमीन में, सो विल यू रीप, रीप का मतलब होता है फसल काटना। कहावत आपको समझ में आ गई होगी मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो आपने कर्म इस जीवन में किए हैं उस उन कर्मों का फल आप यहीं पर भुगत के जाओगे। देर इज नो सेकेंड लाइफ, देर इज द ओनली लाइफ दैट यू हैव गॉट। ये आपकी एक ही जीवन आपको मिला है, जितने भी आप अच्छे और बुरे कर्म करोगे सब आप यहीं भुगत कर जाओगे, सब कुछ यहीं पर छोड़ कर जाओगे, पीछे सिर्फ नाम रह जाता है। इंसान तो सबको पता है, तो फिलोसफिकल बातें हैं, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। तो एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोगे भाई वैसा ही काटोगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो के अगले हिस्से में आपके लिए कुछ और प्रचलित कहावतें लेकर अभी हाजिर होता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये आपने खूब सुना होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा कि रोम जो साम्राज्य था, माना जाता है विश्व का बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य रहा है रोमन साम्राज्य, कई सालों तक वहाँ के राजाओं ने राज किया है। तो कहते हैं रोम का जो साम्राज्य था वो एक दिन में तो नहीं बना होगा, रोम का साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन में तो नहीं बना होगा। आपके दिमाग में कौन सी कहावत है, कौन सा मुहावरा जो इस लाइन को पढ़ने के बाद सबसे पहले दिमाग में आता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कहावत सुनी होगी हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि अगर आप चाहें कि एक बहुत बड़ा टास्क, कोई असंभव सा काम जिसको करने में कई महीने सालों तक लग सकते हैं, वो चाहते हैं कि आपको तुरंत हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सरसों को भी अगर आप पेड़ बड़ा करने चलोगे तो वो भी अपना जितना भी टाइम है 2-4-6 महीने का, वो टाइम उतना लगता है और उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो कहावत सबसे पहले दिमाग में आती है वो यही है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती। ये जो प्रॉवर्ब्स हैं, देखिए मैं जब इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो ये बेसिकली यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का जो ग्रामर का सिलेबस में उसमें सारी कहावतें आपको लगभग सारे प्रॉवर्ब्स मिल जाएंगी, ईडियम्स मिल जाएंगे, फ्रेजेस मिल जाएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, और साथ साथ अगर स्पोकन इंग्लिश की आप तैयारी करते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं कहीं पर ऑलरेडी या सीखना चाहते हैं तो आप साथ साथ इनको भी सीखिए। जैसा मैंने बताया जो इंग्लिश में जिनको अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, एलिटरेशन, मेटाफर, ये सब इनको भी आप सीखिए और लैंग्वेज में यूज़ करना सीखिए, साथ साथ वोकेबुलरी को थोड़ा सा एवरेज कीजिए, इट विल हेल्प यू। हथेली पर सरसों नहीं जमती, असंभव काम जो बड़े काम टास्क होते हैं कम समय में पूरे नहीं हो पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पढ़िए इसको, अ फिगर अमंग, अमंग नहीं पढ़ना अमंग होता है ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अमंग, अ फिगर अमंग साइफर्स या सिफर्स, स्पेलिंग में सी आई पी एच ई आर भी है और सी वाई पी एच ई आर दोनों ही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। देखिए सिफर का मतलब होता है शून्य, सिफर का मतलब क्या होता है शून्य, जीरो जिसको बोलते हैं, बहुत से लोग तो जीरो बोलते हैं, कई लोगों को मैंने सुना जीरो, जीरो नहीं ज बोलिए जीरो। फिगर अमंग साइफर्स का मतलब है कि बहुत सारे जीरोज हैं इनके बीच में कोई नंबर है, यानी बहुत सारे शून्य के बीच में कोई एक अकेला नंबर है। आप पूछेंगे भाई इसमें कहावत, इसमें कौन सी कहावत, इसमें कौन सी कहावत बनती है, इसमें कौन सी कहावत बनती है? आपने कहावत सुनी होगी कि अंधों में काना राजा, कि सारे अंधे बैठे हैं उसमें एक काना है, तो वही उन, तो वही उस हिसाब से उन परिस्थितियों में लगभग वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा कि बाकी सब तो अंधे हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते, एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा है जो कम से कम कुछ थोड़ा बहुत देख सकता है। तो इसकी जो कहावत है हिंदी में वो है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, फिगर अमंग अमंग साइफर, साइफर भी बोलते हैं, साइफर भी बोलते, साइफर का मतलब था शून्य।
नेक्स्ट ये भी आपने पढ़ी होगी कई बार, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसका तो आप लिटरल मीनिंग वैसे भी आप यूज कर सकते हैं कि जो भी चीज दिखती है हमें जैसी दिख रही है वैसी एक्चुअल में होती नहीं, कई बार आंखों का धोखा होता है, एक इल्यूजन होता है कि जो चीज जैसी दिख रही है चमकदार दिख रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड ही हो, वो कुछ और मेटल भी हो सकता है, उस पर गोल्ड की पॉलिश हो सकता है, लोगों को धोखा देने के लिए की गई हो। उसमें जो जो कहावत है इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, शाब्दिक मतलब ये लगभग वही है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हालांकि इससे रिलेटेड अगर कहावत कोई आपके मन में आ रही है, आपको अगर याद आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी कि हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अ ड्रॉनिंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रॉ, ड्रॉनिंग मतलब डूबता हुआ आदमी, ड्रॉनिंग मैन का मतलब डूबता हुआ आदमी, जो पानी व्यक्ति पानी में डूब रहा है और स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकलने के लिए, तो सबसे पहले वो काम करेगा कि उसको जो भी चीज पकड़ में आएगी, देखिए पैरों के नीचे जमीन तो है नहीं, जमीन से तो ऊपर पानी में स्ट्रगल कर रहा है निकलने के लिए अपनी जान को बचाने के लिए, तो उसके हाथ में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा आ जाए या मान लीजिए कोई तिनका भी आ जाए तो उसको भी पकड़कर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अब ये मैंने आपको जितना ये 3-4 लाइने एक्सप्लेन की आप समझ गए होंगे कि इससे जो रिलेटेड जो कहावत है वो कौन सी है। बहुत आसान है, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके लिए तिनके को भी वो सहारा बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आई होप आसान है, समझ में आ रही होंगी, तो बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको जिस भी भाषा में जिस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, बर्न का मतलब बर्न से बना है, burn, इसका जो बेस वर्ड है वो है बर्न, बर्न का मतलब जलना, अब बर्न चाइल्ड का मतलब जला हुआ बच्चा, ड्रेड का मतलब होता है डरना, फायर का मतलब आग। अगर कोई व्यक्ति आग से एक बार जल जाए, यहाँ पर बच्चे के बारे में बताया गया, अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं, अगर कोई एक बार आप आग से जल जाए तो आप जाने अनजाने में भी आग से दूर रहेंगे, उससे डरने की उससे दूर रहेंगे ताकि वो जो एक घटना आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है वो दोबारा ना हो। एक बार अगर कोई आग से जल जाए तो वो आग से दूर ही रहता है, उसको डर रहता है कि दोबारा कहीं उसके साथ ऐसा ना, जो हादसा एक बार हो गया वो वैसा ना हो। अब आप सोचिए कि आपके मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उससे किसी चीज को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत आसान है और ये हम बहुत यूज करते हैं, बहुत कॉमन है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि आदमी अपनी गलतियों से सबक लेता है। अगर आपने कभी कोई गलती की हो तो और आपने उससे सबक लिया हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो, कि गर्म दूध पी लिया एक बार जल्दबाजी में तो उसको अगर छाछ भी दी गई तो वो भी उसको ध्यान से पिएगा ताकि उसका मुंह दोबारा ना जल जाए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, आसान है, याद करने में आसान है, इनको सीखिए, इनको लैंग्वेज में अपना यूज कीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पर्सनली, देखिए जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं पर्सनली खुशी होती है, और जब आप वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं तो उससे लगता है कि लोग इन वीडियोज को सीरियसली ले रहे हैं, और आपकी जो सुझाव है देखिए बहुत मायने रखते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, अच्छे हों या अच्छे ना भी हों। आई टेक ऑल द कमेंट्स पॉजिटिवली एंड ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द कंटेंट ऑफ द वीडियोस दैट आई मेक। चलिए अब थोड़े से मैं आपके लिए और भी लेकर आता हूँ कुछ प्रश्न कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है इंग्लिश में, व्हेन इन रोम डू एज रोमर्स डू, इसका मतलब यह है कि जिस देश में आप जाते हैं हर देश का कल्चर
हर देश का जो संस्कृति है, पहनावा है, लैंग्वेज है, वहाँ का खान पान है बिल्कुल अलग होता है दूसरे कंट्री से। उनका रहन सहन, उनका उनका अपना कल्चर, उनकी जो ट्रेडिशंस होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप अगर वहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि जैसे जिस भी आप कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के थोड़ा सा तौर तरीके सीखें, थोड़ा सा वहाँ की लैंग्वेज सीखें, वहाँ का जो 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 कल्चर है, जो एटमोसफियर है, उसमें अपने आप को डालने की कोशिश करें, तभी आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे और वहाँ पर के लोगों से मिक्स हो पाएंगे, तभी वहाँ पर आपकी ग्रोथ संभव है एक तरीके से कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जब आप रोम जाएं, डू एज रोमन्स डू, जैसा रोम रोम के निवासी करते हैं वैसा ही उनको फॉलो कीजिए और वैसे ही बनने की कोशिश कीजिए, यानी जिस देश में आप जाएं वैसा ही भेष बना लें, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो कहावत इसमें व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू का मतलब यह है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, आई थिंक हिंदी में भी ये ठीक ही लिखा हुआ है, जैसा देश वैसा भेष, जिस देश में जाइए वहाँ के कल्चर को फॉलो कीजिए, वैसा बनने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है नंबर 12, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। साइट होता है दृष्टि, नज़र, माइंड का मतलब तो पता ही है। देखिए जो व्यक्ति आपके जितना करीब रहता है, आँखों के सामने रहता है, आपके आस पास रहता है हमेशा, उससे आपके आपके जो जो कहते हैं ना जो कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, प्यार वो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग बाउंडेशन वहाँ पर होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब आपसे दूर चला जाता है और जो आपसे कभी कभी मिलना हो पाता है, अक्सर मिलना नहीं हो पाता है, या फ़ोन पर भी संपर्क नहीं हो पाता है, या कहते हैं कि एक तरीके से कनेक्शन टूट गया, तो समझ लो कि वो दिल से भी एक तरीके से दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आँखों के सामने है उससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, और जो आंखों से दूर चला गया उससे आपका बॉन्डेशन उतना कनेक्शन उतना नहीं रहता है। मतलब क्या है इसका कि भाई नजर से दूर दिल से दूर, जो नजर से दूर हो गया वो दिल से भी दूर हो जाता है। नजर से दूर दिल से दूर, नज़र से दूर दिल से दूर, जो नज़रों से दूर चला गया वो दिल से भी दूर हो जाता है। जो नज़रों के सामने रहता है, देखा कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के या कोई भी है आपके सामने रहता है, आपके आसपास रहता है, उससे एक नेचुरल बॉन्डेशन तो आपका हो ही जाता है। जो दूर हो जाते हैं, जो दूर रहते हैं, उनसे इतना स्ट्रांग बॉन्डेशन रह नहीं पाता है, बहुत नेचुरल सी चीज़ है। ऑलराइट, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका हिंदी में तो मतलब यह है कि भाई जो खून है वो तो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। खून का मतलब देखिए यहाँ पर, ब्लड का मतलब ब्लड रिलेशन है, कि जो व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन में है, जो व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन में है, आपके सगे संबंधी हैं या आपकी ही संतान है, आपके ही माँ बाप या आपके खुद के भाई बहन हैं, उनसे आपके ज़्यादा संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बजाय दूसरों के। तो इसमें आपको अब क्वेश्चन में इसमें कौन सी कहावत है, उसमें कहावत आपने सुनेंगे भाई अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, कुछ भी कैसा भी उसका व्यवहार हो, कुछ भी हो, अपने अपना ही रहता है हमेशा, वही मुसीबत में काम वही आता है, अपने अपने ही होते। पिक्चर भी आई थी उसमें, शायद गाना था, सनी देओल की मूवी थी, उसमें धर्मेंद्र भी थे कि अपने तो अपने होते हैं, हिमेश रेशमिया का शायद म्यूजिक है उसमें, अपना अपना ही होता है। अपना अपना ही होता है, अपने तो अपने होते हैं, बड़ा अच्छा गाना है। आगे बढ़ते हैं, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट। पॉटर समझते हैं कुम्हार, पॉट बनाने वाला, कुम्हार को क्या बोलते हैं पॉटर, पॉट क्या होता है, पॉट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बर्तन आते हैं कांच के, अलग अलग कांच के मिट्टी के जो बर्तन कुम्हार बनाता है, पॉट आजकल जो चाइना क्ले होती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाइना के जो होते हैं, जैसे यूपी में एक जगह खुर्जा, अगर आप कभी गए हो दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ बस से जाएं तो आपको रास्ते में खुर्जा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे आपको देखने में, और बहुत फेमस जगह है वो, इस तरह के जो पॉट होते हैं चाइनीज पॉट, वो बहुत बनते, बहुत ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध है।
तो कहने का मतलब है कि जितने भी पॉटर हैं या जो भी पॉटर कुमार है हमेशा अपनी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ करता है, उसको अपनी बनाई हुई चीज़ों में कभी भी कोई कमी नजर नहीं आती है। जैसे हर माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, अपने बच्चे में उनको कोई कमी नजर नहीं आती, दूसरों के बच्चों में उनको हजार कमियां नजर आती हैं, और अपना बच्चा चाहे कैसा भी हो अपने बच्चे में माँ बाप को कभी भी कोई कमी नजर नहीं आती है। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट। एक और कहावत है कि कोई भी देखे अगर सब्जी लेने जाए और सब्जी वाले से पूछे कि भाई सब्जी ये कैसी थी, ताजी है, चाहे वो 3 दिन की बासी सब्जी को पानी डाल डाल के बेच रहा हो, वो हमेशा आपको यही बोलेगा भाई सब्जी बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी कमी नहीं, इसको आप ले जाइए, बहुत अच्छी सब्जी है। भले ही आप घर जाके देखें उसको काट के खोल के देखें तो पता चलेगा अंदर आधे ज़्यादा सब्जी तो वो खराब है और आपको फेंकनी पड़ी। तो कभी भी अपनी सब्जी को खराब नहीं बताते, आप किसी भी सब्जी वाले पास जाइए, वो कभी अपनी सब्जी को खराब नहीं बताएगा। एवरी पॉटर प्रेजेस इज पॉट। हर माँ बाप को, हर व्यक्ति को अपने बच्चे, अपनी संतानें अच्छी लगती है, अपनी संतान किसको बुरी लगती है। थोड़ा सा टिपिकल हो गया यहाँ पर, उतना आसान नहीं है। गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच वाले हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो यकीन मानिए जहाँ भी दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको अपने जैसे लोग मिल ही जाएंगे और आपसे उनकी मित्रता आराम से वैसे ही हो ही जाएगी। इसका मतलब है कि आप अगर बुरे हैं तो दुनिया आपके लिए बुरी है, ये तो मान के चलिए कि भाई दुनिया बहुत बुरी है, और आप अगर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको दुनिया में अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। तो कहावत एक हिंदी में सुनी होगी कि आप भला तो जग भला, यानी कि आप खुद में अगर अच्छे हैं तो दुनिया में अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, दुनिया बहुत अच्छी आपको रहने लगेगी। और आप खुद में ही बुरे हैं, बहुत सारे अपने बुरे कर्म कर रखे हैं, बुरा व्यवहार लोगों से करते हैं, तो ऐसे लोग आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। कहावत कौन सी है? गुड माइंड गुड फाइंड का मतलब आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप बुरे हैं तो दुनिया भी आपके लिए बुरी है। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको लिए कुछ 4-5 अभी प्रॉपर्स और लेकर हाजिर होता हूँ। चलिए वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपके लिए कुछ 5 प्रॉपर्स और लेकर आया हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इनका मतलब, इनका यूसेज क्या है। फर्स्ट वन इज इट टेक्स टू, TWO का मतलब दो, टू मेक क्वारल। अकेले आप किसी व्यक्ति से किसी से भी झगड़ा नहीं कर सकते, अगर आप अकेले हैं तो किसी से लड़ नहीं सकते। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, बहस करनी है, आर्गुमेंट करना है, आपको कम से कम दो लोगों की जरूरत होगी, एक आप और आपके सामने एक दूसरा वाला। उसी तरीके से अगर आप ताली बजाना चाहें तो आप एक हाथ से ताली तो बजा नहीं सकते, ताली बजाने के लिए आपको कितने हाथ चाहिए? दो हाथ चाहिए। ताली बजाने के लिए आपको दो हाथ चाहिए, सीधी सी बात बच्चे भी बता देंगे। तो इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो कहावत जो बनती है आपके, आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आपने रिलेट कर लिया होगा कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी कहावत बनी होगी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। क्वारल का मतलब झगड़ा या लड़ाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए कम से कम। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो एक हाथ से भी ताली बजा लेते हैं, हमने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। तो बहुत आसान है, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा मालिक वैसे एम्प्लॉय, जैसा मालिक वैसे नौकर। एज द किंग, जैसा राजा, सो आर द सब्जेक्ट, यथा राजा तथा प्रजा। हिंदी तो लगभग सभी बच्चे पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है अप टू क्लास 10 सभी बच्चों के लिए। तो एक आवेदन तो आपने हिंदी में भी बहुत पढ़ी होंगी, कहानियों में पढ़ी होंगी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी जैसा राजा वैसी ही प्रजा। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है नंबर 18, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़िया का शिकार करना।
एक ही पत्थर से आपने दो चिड़िया को शिकार किया, तो इसमें पूछेंगे भाई कहावत कौन सी बन रही है। आप किसी एक काम के लिए गए और साथ साथ आप दूसरा काम भी वहाँ से करके ले आए, या एक काम करने के लिए गए थे और आपको चांस मिल गया तो दूसरा उससे संबंधित रिलेटेड उसी जगह पर कोई काम था तो वो काम भी आपने कर लिया, यानी कि आप आपका तो जाना एक बार जाना और एक बार आना हुआ, लेकिन काम आपने उसमें उस अवध में आपने कम से कम दो काम पूरे कर लिए। हिंदी में कहावत समझ गए होंगे, मैंने जानबूझकर इसलिए बोला है, एक पंथ दो काज, रास्ता एक ही था लेकिन काम आप उस एक ही उतने ही समय में उतने ही खर्चे में आपने क्या किया, उतने ही सब कुछ में संसाधनों में आपने दो काम निपटा लिए। हिंदी में बड़ा प्रचलित कहावत है कि एक पंथ दो काज, कि आप किसी इंटरव्यू में गए किसी शहर में और पता था कि भाई वहाँ आपका कोई रिश्तेदार रहता जिससे आप बहुत समय से मिले नहीं, तो आप तो गए थे एक काम के लिए, वहाँ से आप जाकर वो इंटरव्यू भी देकर आए और वापस में वापसी में या आते समय आप उस रिश्तेदार से भी मिलाए, तो आपके क्या हो गया भाई एक पंथ दो काज हो गए, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, एक ही समय में दो काम करना। नंबर 19 का बच्चों को पता होगा, बहुत आसान है, मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। हमने न्यूमरस टाइम्स ढेरों हजारों सैकड़ों बार आपने ये कहावतें सुनी होंगी, यूज भी की होंगी, कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सुना होगा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वन रॉटन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब के पूरे पानी को गंदा कर देती है। घर में भी आपने देखा होगा, अगर एक्वेरियम आपके घर में है और कोई फिश आपने पाली हुई है और वो मर गई, इट इज इम्परेटिव, जरूरी है कि उसको आप उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल दें, नहीं तो वो सारे में इन्फेक्शन कर देगी और उससे बाकी मछलियों पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसके मिलते जुलते एक और इंग्लिश में कहावत है, वन रॉटन एग स्पॉइल्स द होल बास्केट, एक सड़ा हुआ अंडा टोकरी में रखे हो सारे बाकी सारे अंडों को भी सड़ा सकता है, खराब कर सकता है। तो मैं वहां लिख नहीं रहा हूँ, हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा कि वन रॉटन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर या वन रॉटन एग स्पॉइल्स द होल बास्केट, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। लास्ट इस वीडियो का जो है, A rolling stone gathers no moss. इसका मतलब क्या है? Stone तो हम समझते हैं पत्थर, rolling लुढ़कने वाला, moss काई को बोलते हैं हिंदी में, किसको बोलते हैं काई? जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होगी उनके लिए आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए moss। हालांकि BSc में तो उसके ऊपर एक पूरी बुक है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पर पूरा एग्जाम होता है। A rolling stone gathers no moss, यानी कि कोई पत्थर अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कता रहता है, अपनी पोजिशन समय के हिसाब से बदलता रहता है, तो उस पर देखिए कभी काई नहीं जम पाती। तो उसका मतलब है कि जिस व्यक्ति में पेशेंस नहीं होता है उसको व्यक्ति को सफलता कभी मिलती नहीं है। तो सफलता पाने के लिए पेशेंस यानी कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस धैर्य के साथ मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ इस एक्सपेक्टेशन में कि आज नहीं कल लोग इनको समझेंगे, देखेंगे, इस काम को अप्रिशिएट करेंगे, नहीं अच्छा लगता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या कमी है ताकि उसको सुधार किया जा सके, किन और सब्जेक्ट्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। मेरा जो आगे का भी प्लान है उसमें GK और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में अभी शामिल करूंगा, साथ साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का जो SST सोशल साइंस का जो डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो भी मैं आने वाले समय में शामिल करूंगा। साइंस पर भी जो टॉपिक्स हैं 6 to 8 उन पर भी मैं ये खत्म करने के बाद उन पर वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। क्लास 11th और 12th की जो बायोलॉजी है उन पर भी मैं आने वाले समय पर वीडियो बनाऊंगा। आप जुड़े रहिए हमसे, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।